उसकी कारीगरी में हाथ डालना बहुत बड़ा जरूरत का था। बेटा देना, बेटी देना, बेटा बेटी दोनों देना या कुछ भी ना देना, ये उसका काम है, उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। हाँ, इस्लाम जहां सहूलतें देता है वो सहूलत इख्तियार करो, कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक होगा बेटा या बेटी, औलाद हो गई, माँ की सेहत खराब है या बीमार है, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने क्या कि आजकल की फैसिलिटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपने साल दो साल आपने क्या किए, प्रेगनेंसी रोक दिया, ये आपकी जरूरत थी, आपने किए, कोई जरूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई इल्लत नहीं है, फिर भी हम दो हमारे दो, ये क्या है, बेवकूफी नहीं तो क्या है, अपने आप को रब बना रहे हैं तो क्या है। बच्चे दो ही अच्छे, बाकी के क्या है, फिर शैतान बन के पैदा हो रहे, और होता भी उनके पास, जब दो ही पैदा होते दोनों शैतान पैदा हो जाते हैं, जा अल्लाह की दी हुई सोच के खिलाफ कोई सोच आ जाए वो शैतान की सोच होती है। इसलिए बच्चे जो जब दो आते हैं ना, दो अच्छे नहीं लुच्चे होते, बदमाश निकलते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और आखिरी उम्र में ओल्ड एज में ले जाके पटकने वाले, क्यों, अल्लाह की सोच के खिलाफ जा। ये कबीरा गुनाह है कि औलाद के पैदा होने से पहले उसको जिंदा खत्म कर देना। याद रखिए, अगर मालूम हो जाए कि मर्द का नुतफा औरत के नुतफे से मिल चुका है, हमल रह चुका है, चाहे कितने भी दिन का क्यों ना हो, उसको गिरा देना ये कबीरा गुनाह है, ये नहीं कर सकते। इसमें जो लोग ये फतवा देते हैं रूह आई नहीं थी, उसमें जान पड़ी नहीं थी, ये सब बेकार की बातें हैं। अल्लाह देना चाह रहा, अल्लाह ने पुरस्कार शुरू कर दिया, अब तुम्हारा कोई हक नहीं उसमें टांग अड़ा है, कोई हक नहीं। नहीं देना था तो अल्लाह ताला किसी को 25 साल देता ही नहीं है, नहीं देखेगा अल्लाह को, सब सब कुछ करके थक जाते हैं। पहले तो 10 साल इस टेंशन में गुजर जाते हैं कि शायद आदमी आदमी नहीं है, मालूम होता है 10 साल बाद ट्रीटमेंट सब सब कुछ ओके निकलता है, आदमी सही है, अब औरत के ऊपर शक आता है कि औरत बाज है, और औरत भी ओके, फिर भी अल्लाह नहीं देना चाहे तो नहीं देता है। तो हुआ ऐसा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अल्लाह उनको औलाद नहीं दे रहा है, अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है। तो जिंदा दरगोर करना, जिंदा कत्ल करना, ये इसमें दाखिल है कि चाहे तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाए, या फिर हामिला है मालूम होते ही उसको, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये ऐसा भी नहीं लोग के लड़की है तो ही हमल गिराते हैं, औलाद रह गई तो भी गिराते हैं लोग, क्यों, औलाद ही नहीं चाहिए, फिगर खराब हो जाएगी, ये अलवा इस्तेमाल किए लोगों ने, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिगर खराब हो जाएगी इसलिए हमल नहीं रहने देते। अभी तो उम्र ही क्या है, अरे उम्र नहीं थी तो शादी काहे को करे, नहीं करना था ना शादी, बड़े ही नहीं हुए तो अब तक, तो ऐसे हजारों बहाने हैं। अल्लाह ने जिस अंदाज से इस दुनिया को बनाया उस अंदाज से जीना है, अल्लाह की रुबूबत में हाथ नहीं डालना है। तो ये चौथी चीज को अल्लाह ने हराम किया है, बहुत सारी नसीहत की जा सकती है, वह कम वक्त में इस हदीस को मुकम्मल करना भी मकसूद है। और आगे अल्लाह कहता है, आप सल्लम कहते हैं अल्लाह की तरफ से, वो करी है लकुम, और अल्लाह ने नापसंद किया इन तीन चीजों को, नापसंद करता है, अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या, तील व काल, तील व काल यानी फजूल बातें करना, बहुत मुसलमान है साहब इसमें मुलविस, अल्लाह पसंद नहीं करता। सही बुखारी की हदीस जिल्द सुवम के अंदर, किताबुल अदब के अंदर बाब नंबर 6, उसके अंदर की पहली हदीस, और जो लोग कंप्यूटर वगैरह में सर्च करते हैं हदीस नंबर 5975 की ये हदीस, तील व काल, अल्लाह पसंद नहीं करता बेजा बहस करने से, फजूल बातें करने से। अब ऐसे कितने के लोग हैं साहब, मैं लंबी चौड़ी लिस्ट खड़ा कर सकता हूँ ताल्लुकात में से, हर रोज उनका फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक, बक 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 बक, कोई नतीजा नहीं है, मगर घंटों बातों में गुजार देते हैं, कोई वजह नहीं है, कोई उसके पीछे रीजन ही नहीं है, फिर भी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो भाई कुछ बात कर ले, कोई नतीजा निकले, कोई राय मशवरा हो रहा है ताकि कोई फैसला लिया जाए, कोई वजह नहीं है।
ये तो वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में से एक हिस्सा बराबर हर रोज निकाल लें। जितना बीवी बच्चों से बात नहीं करेंगे उतना दोस्तों से बात करते हैं। एक कारण लंबी लंबी बात है, हैरत अंगेज, अफसोस सद अफसोस, जो बुरा लगता है माफ़ी चाहता हूँ। ये वक्त भी एकदम खसूसी वक्त रहता है, वो रात का 3-4 बजे से पहले जगह से नहीं उठेंगे। आप बताओ ये बीवी बच्चों का कहाँ खदा कर, बीवी का कहाँ खदा कर रहे हो? बच्चे तो बेचारे सो जाते मासूम है, जिसको समझता वो है बीवी, उसका भी खदा नहीं कर रहे। और छोड़ के चली जाए या तलाक के मामला हो जाए तो गलती इनकी रहती नहीं जनाब की, औरत ही गलती रहती। क्यों? अरे मेरा दिल ही नहीं बोलता। तेरा दिल कैसे बोलेगा, तो रहा ही नहीं उसके साथ कभी। इसी तरह चंद दोस्त है, दिन में मिलो रात में मिलो, मिले उस तो बातें बस चलते रहने की, चलते रहने की, चलते रहने। है दीनदार हो गए अब, क्योंकि ये हदीसें दीनदार लोगों के लिए, याद रखिए दीनदार लोगों के लिए जो दीन से जुड़े हुए नहीं उनके लिए आए भी नहीं, उनको क्या मालूम अल्लाह किस चीज़ को मना कर तक को जी अल्लाह ने आराम किया, वो तो दीन से जुड़े भी नहीं है। जो दीनदार है, जो दुआत है, जो दावत का काम कर रहे हैं, जो अल्लाह उस से मोहब्बत करते हैं, जो अपने आप को हदीस वाले कहते हैं, सहाबा ताबे तबे ताबे असला वाले, उनके लिए हदीस है ये कि खड़े हो गए तो बस बातें करते रहने का, कोई वजह नहीं क्यों बात कर रहे, कोई वजह नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने अल्लाह को ये बात ना पसंद है। तीर वकार, असल में अरबी में तीर कहते हैं कहा गया, कॉल कहते हैं कहा, तीर वकार यानी कि बकबक करते रहना। बाद में आदर रहती, मैं कहता हूँ बाद लोगों को क्या किसी किसी आदर रहती, जो शुरू हो जाता हूँ मैं टेप रिकॉर्ड तो स्टॉक का बटन नहीं मिलता सामने वाले कहाँ दबाएंगे।